चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मालाबार सैन्य अभ्यास। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसके रणनीतिक महत्व को समझेंगे और मालाबार अभ्यास को जानेंगे। इसके बाद इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इसका पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक होगा। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इसका दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के दौरान अरब सागर में होगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार अभ्यास के 4 दिवसीय प्रथम चरण की शुरुआत करते हुए बंगाल की खाड़ी में कई जटिल सैन्य रचनाओं का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास को चतुष्पक्षीय गठबंधन के सदस्य राष्ट्रों के बीच भावी सैन्य सहयोग के आरंभ के रूप में देखा जा रहा है। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस अभ्यास का संचालन संपर्क रहित और केवल समुद्र में किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने मालाबार अभ्यास के लिए विध्वंसक रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक, अपतटीय गश्ती जलयान सुकन्या जैसे कई अहम आयुध मंचों को तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकेन, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ लॉन्ग रेंज फ्रिगेट बालाराट और जापानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ डिस्ट्रॉयर ओनामी के साथ प्रतिभाग किया है। हाल ही में भारत ने घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार अभ्यास का हिस्सेदार होगा। अब इसके रणनीतिक महत्व पर बात करते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केवल समुद्र में गैर संपर्क वाला यह अभ्यास मित्र नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल प्रदर्शित करेगा, जो मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत एवं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साझा मूल्यों एवं उनके प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। कई विवादास्पद मुद्दों को लेकर इस अभ्यास के 3 अन्य साझेदारों जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रिश्ते भी चीन के साथ पिछले कुछ महीनों में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन की चिंता की वजह क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना है। यह अभ्यास ऐसे समय में शुरू हुआ है जब लद्दाख में सीमा को लेकर पिछले 6 महीने से भारत व चीन में तनातनी जारी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सैन्य दबदबा दुनिया के प्रमुख देशों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका क्वाड को इस क्षेत्र में सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करने के पक्ष में है ताकि चीन को रोका जा सके। अब एक नजर मालाबार अभ्यास पर। मालाबार अभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान 2015 में इस अभ्यास से जुड़ा था। मालाबार केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। आज का प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? विकल्प ए भारत, इंग्लैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विकल्प बी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विकल्प सी भारत, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।